अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मरियम के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरियम कैसे मरेगी इस ड्रामे के एंड में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा में अभी तक आपने देखा कि अपान और मरियम का साथ मिलना इसकी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और दूसरी जानब बारा भी इस शक में है क्या अपान मरियम से आज भी मोहब्बत करता है। इस बात की वजह से दोनों के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपान की माँ इन तमाम हालात वाकयात के कसूरवार मरियम को ठहराती है और अपान से कहती है कि कितना अच्छा होता अगर ये मनहूस पाकिस्तान आती ही नहीं। अपान उसे बहुत समझाता है लेकिन वो सारे इल्ज़ाम मरियम के सर टालती है। तो इस ड्रामे के अगले अकसात में आप देखेंगे कि मरियम को इन तमाम हालात का पता चलेगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और अपान से मिलना छोड़ देगी। दोस्तों, मेरे ख्याल से मरियम को अपान की माँ की बातें इतनी बुरी नहीं लगेगी, लेकिन अगर मरियम की माँ ने कुछ उल्टा सीधा कहा तो मेरे ख्याल से मरियम बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मरियम वाकई मरेगी इस ड्रामे के आखिर में। दोस्तों, ये तो हम नहीं बता सकते आपको कि वो कैसे मरेगी, कि वो कैसे मरेगी अगर ARY वाले उसे मारना चाहे तो। दोस्तों, जैसा कि आपने इस ड्रामे के पिछले अकसात में देखा कि मरियम ने अपने वालिद को सिर्फ इतना बताया था कि अहमद ने मुझे बहुत मारा और पीटा, जिसकी वजह से जमाल साहब ने अहमद को घर से निकाल दिया। लेकिन दोस्तों, मरियम ने अपने वालिद से ये नहीं कहा कि इसने मुझ पर गंदे इल्ज़ाम भी लगाए थे और शायद इस बात का फ़ायदा अहमद उठा ले। हो सकता है अहमद जमाल साहिब से मिलकर ये बात बताए और मरियम पर इंतहाई घटिया इल्ज़ाम तराशे। इसके बाद जब अहमद को पता चलेगा अपान के घर के हालात का, तो उसे एक ज़बरदस्त मौका मिल जाएगा मरियम की ज़िंदगी बर्बाद करने का। हो सकता है वो अपान की माँ से मिले और उसे कहे कि मरियम की मलेशिया में भी किसी के साथ अफेयर्स थे। इसी तरह ये दोनों जाकर मरियम के वालिद को ये सारी बातें बता देंगे। तो दोस्तों, अब आप ज़रा सोचिए, अगर अहमद और अपान की माँ ने मरियम पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए और वो भी उनके वालिद के सामने, तो आपके ख्याल में मरियम की क्या हालत होगी? मेरे ख्याल से वो तो उसी वक़्त बेहोश होकर मर जाएगी या ख़ुदकुशी कर लेगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि मरियम इस ड्रामे में नहीं मर सकती, ये तो हमने आपको बताया कि ये किस तरह मर सकती है। मेरे ख्याल से मरियम के साथ मज़ीद पूरा नहीं होना चाहिए, उसको मार देना इस ड्रामे की बहुत बड़ी गलती होगी। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से, मरियम को मार देना चाहिए? और अगर मरियम मरती है तो कैसे मरेगी, अहमद के हाथों या ख़ुदकशी करके? कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।